डॉक्टर पारो ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसे? Everybody, please relax. वो ठीक है, पहले से बेहतर है वो. She's fine. Thank God. हमारी बच्ची ठीक है. आप सच बताइए वो ठीक है ना? कोई परेशानी? प्लीज डॉक्टर, वो ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो. उसे बस हमें 5 से 6 घंटे यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो सब ठीक है या नहीं है. और प्लीज आप इस बार ये मत कहिएगा कि बच्ची घर जाना चाहती है, क्योंकि ये पारो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. यस ऑफ कोर्स डॉक्टर, अगर पारो के लिए ये जरूरी है तो वी आर ओके विद इट. हां, पारो से भर के कुछ नहीं है, हम उसे 5-6 घंटे बाद ही लेके जाओ. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू डॉक्टर. हाँ, अब आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, पारो ठीक है, रिकवर कर रही है जल्दी. हमारी बच्ची ठीक है, थैंक गॉड. अब हमारी जान में जान है. हाँ दी, अब पारो ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. हाँ भाभी, अब तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है. वैसे ही पिछले कुछ दिन बहुत ही मुश्किल में गुजरे हैं. हाँ, इतनी छोटी सी जान और क्या क्या सहना पड़ा है उसे. बस अब तो जल्द से जल्द ठीक होकर वो घर आ जाए. बस 5-6 घंटे की बात है मामी, सिर्फ 5-6 घंटे. पारो बिल्कुल ठीक है, वो घर चलेगी हमारे साथ, सब कुछ ठीक है. आयुष, बिल्कुल पारो हमारे साथ बहुत जल्दी घर चलेगी. और आज पूरे दिन हम पारो को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे. यस भाई. नहीं, जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा. लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा? मैं कोर्ट. ये सब टेंशन में हम भूल ही गए कि आज सुनवाई है केस की. आज फैसला हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या होगा और क्या नहीं. Oh God, भाभी, इतनी सारी चीजों के बीच दिमाग से ही निकल गया कि आज हियरिंग है. पारो को अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे? जाना पड़ेगा, जरूरी है और इसे हम टाल नहीं सकते. और अब तो पारो ठीक है ना, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है. वैसे भी डॉक्टर्स हैं ना यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए. लेकिन फिर भी पारो को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हम. एक काम करते हैं दी, हम यहाँ हॉस्पिटल में रुक जाते हैं, आप लोग सब कोर्ट चले जाइए. वैसे तो यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर पड़े तो किसी का तो यहाँ होना ज़रूरी है ना. और इन केस पारो को होश आ जाए, उसे यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए, वरना घबरा जाएगी बच्ची. हाँ भाभी, आंचल बिल्कुल ठीक कह रही है. आई थिंक हमें चलना चाहिए और जल्दी कोर्ट पहुँचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली हियरिंग हमारी है. नहीं, पर हम थोड़े दिन बाद की बात नहीं कर सकते, मतलब 1-2 दिन बाद की डेट. उस रिक्वेस्ट के लिए देर हो चुकी है, सबसे पहली हियरिंग हमारी है. आई नो, कोर्ट तो आज जाना ही पड़ेगा. तो ऋषि जल्दी चलते हैं और कोर्ट से फ्री होकर जल्दी पारो के पास वापस आ जाते हैं. जी मां. हाँ हाँ मां, चलो. मासी, प्लीज पारो को अच्छे से ख्याल रखिएगा. ऑफ कोर्स. पारो, चिंता मत करना बेटा, तू बस ठीक हो जा, फिर हम लोग जल्दी घर वापस चलेंगे, अपने घर, अपने गांव. यहां नहीं रहेंगे अब. पहले भी नहीं रुकना चाहिए था, गलती की मैंने, पर अब ये गलती नहीं करेंगे. तुझे इन सारी मुसीबतों से दूर रखूंगी मैं. हम चलेंगे बेटा, गांव वापस चलेंगे. एडवोकेट प्रोमिला, और कितना समय लगेगा? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा. बस मैम, अभी वो आते ही होंगे. एक्सट्रीमली सॉरी मैम, लेट हो गया थोड़ा सा. बैठिए आप सब. कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए. मैम, मैं लक्ष्मी ओबेरॉय की वकील हूँ और उनकी तरफ से बात रखूंगी. मैम, मैं मिस्टर ऋषि ओबेरॉय की तरफ से इस केस की पैरवी करूंगा. ये लक्ष्मी ओबेरॉय और ऋषि ओबेरॉय की बेटी की कस्टडी का केस है. केस की सारी डिटेल्स इस फाइल में है. इस केस को मैं जानती हूँ, पहले भी इसे मैंने ही सुना था. अच्छी तरह जानती हूँ इस केस को, फिर भी एक बार देख लेती हूँ कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए.
ओके फाइन। तो मिस्टर ऋषि और लक्ष्मी कैसा चल रहा है सब? आपकी बेटी कहाँ है पारो? आज आई नहीं अपने भाई के साथ यहाँ? कहाँ है आपकी बेटी? लक्ष्मी तुम ऐसे क्या बात है? वो पारो की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल। क्या हुआ उसे? ऐसे हॉस्पिटल में तबीयत ज्यादा खराब है क्या उसकी? किरणा एक्चुअली पारो को किडनैप कर लिया था। किडनैप? ये क्या कह रहे हैं आप? किसने किया था पारो का किडनैप? वो हमें नहीं पता किरणा, हम उन किडनैपर्स को जब तक पकड़ते तब तक वो भाग चुके थे, इसलिए हमें नहीं पता कि हमारी बेटी को किसने किडनैप किया। लेकिन हमारी बेटी को जिसने भी किडनैप किया उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे सजा जरूर मिलेगी। तो अब कैसी है आप लोगों की बेटी? जी किरण अभी बेटर है, काफी बेटर है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। मैम हम तो आना भी नहीं चाहते थे यहाँ पर। एग्जैक्टली, लेकिन वक्त नहीं था हमारे पास कि हम कोर्ट को और एक्सटेंड कर सकते थे, वरना सच में हम हमारी बेटी को छोड़ के नहीं आना चाहते थे। डोंट वरी, पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी और कानून अपना काम करेगी। गलत करने वाले कानून की नजर से ज्यादा वक्त बच ही नहीं सकते। जी योराना, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, गुनहगार को सजा जरूर दिलवाएंगे आप लोग। मुझे कानून पर भरोसा है लेकिन कुछ लोगों पर भरोसा नहीं है योर ऑनर। कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, भले उनके पास सब कुछ ही क्यों ना, लेकिन फिर भी उन्हें दूसरों का चैन, दूसरों का हक, दूसरों की खुशी छीननी होती, भले सब कुछ क्यों ना उनके पास, लेकिन बस मेरी पारो को छीनना है मुझसे। दिखावा, सिर्फ दिखावा योर ऑनर। कुछ लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि वो पारो से कितना प्यार करते हैं, उन्हें पारो कितनी पसंद है, वो पारो पर कितनी जान छिड़कते हैं, पर ऐसा जबकि कुछ है नहीं। सच यही है कि ये सब दिखावा कर रहे हैं।